हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज बनाएंगे हम चिकन करी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चिकन काटेंगे और ये हमारा चिकन पहले से कुछ काट रखा है और कुछ आप देख सकते हैं काट रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम सारा चिकन काटेंगे और ये हमारा चिकन कट गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों, हम पतीला को गरम करते हैं और हमने इसमें डाला ऑयल और इसमें थोड़ा ऑयल हम और डालेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम कटा हुआ जूलियन ऑनियन और इसको अच्छे से भून देंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों। और प्याज को अच्छे तरीके से भूनेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा प्याज अच्छे से भुन रहा है। अब इसमें डालेंगे हम नमक, जिससे कि हमारा प्याज अच्छे से गल जाए। और प्याज के बाद ऐड करेंगे इसमें टमाटर और टमाटर को भी अच्छे से गला देंगे। तो अब डालेंगे इसमें हम नमक, जिससे कि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए, आप देख सकते हैं दोस्तों, और अच्छे से भून देंगे। टमाटर को अच्छे से भूनेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब इसमें ऐड करेंगे हम चिकन मसाला और ये हमने चिकन मसाला ऐड किया। और अब ऐड करेंगे मिक्स मसाले, आप देख सकते हैं दोस्तों, और अच्छे से भून देंगे। और आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी ग्रेवी तैयार है। अब हम चिकन को अच्छे से पानी से धो देंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों, और चिकन को ये हमने धो दिया और ग्रेवी भी हमारी तैयार है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्रेवी हमारी तैयार है। अब इसमें ऐड करेंगे हम चिकन और ये रहा हमारा चिकन, आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसमें चिकन ऐड किया, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने फिर चिकन ऐड किया और अच्छे से मिला देंगे। चिकन को अच्छे से मिला देंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी और आप दोस्तों देख सकते हैं, ये है कोरिएंडर और पहाड़ी नींबू। अब इसमें ऐड करेंगे हम पहाड़ी नींबू, जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, आप देख सकते हैं, दोनों हथेली से निचोड़ना पड़ रहा है और ये उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। तो ये हमने इसमें नींबू निचोड़ दिया और अब ऐड करेंगे इसमें धनिया, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये रही हमारी चिकन करी, तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।